हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। ये एपिसोड 3 है हमारी एनिमल न्यूज सीरीज का। इस वीडियो में मैं 4 न्यूज कवर करूंगा। अब बात करते हैं पहले न्यूज की। लॉकडाउन की वजह से जो ह्यूमन मूवमेंट कम हुआ है उसका पूरा फायदा नेचर और एनिमल्स को मिला है। विशाखापट्टनम के पास कई सारी बर्ड स्पीसीज देखी गई है जो रिपोपुलेट हुई है, जैसे कि काइट्स, बेरन आउल्स और पैराकिट्स की कई सारी स्पीशीज देखी गई है जो रिपोपुलेट हुई है। और इसी के साथ साथ कई एनिमल्स को भी फायदा मिला है। और कई एनिमल्स जैसे डियर्स है, एक सांबर स्पीशीज है डियर्स की, वो भी उसके भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप उसके आसपास देखे गए इस एरिया के आसपास। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज की। ओडिशा गवर्नमेंट ने 54 लाख रुपीज ग्रांट किए हैं ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस लॉकडाउन में स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएंगे। और ये बहुत अच्छा स्टेप है मेरी राय में भी। और ओडिशा गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो इस चीज से इंस्पायर होकर अपनी स्टेट्स में भी इस चीज को लागू करें। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज पे। इस हफ्ते भी कई सारी एनिमल एक्टिविटीज देखी गई है अक्रॉस आवर कंट्री। चंडीगढ़ में सेक्टर 5 में एक लेपर्ड घूमता हुआ देखा गया है, पर किसी भी तरह का कोई हार्म का केस अभी तक फाइल नहीं हुआ है। देहरादून में एक हाथी घूमता हुआ देखा गया है और ओडिशा के बीच पे कई हजारों की संख्या में सी टर्टल्स देखे गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूज की। लॉकडाउन की वजह से कई सारी एनिमल और पेट शॉप्स बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से कई सारे एनिमल सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को खाना नहीं है और सांस लेने को हवा तक नहीं है कई जगह। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, बेंगलोर में एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो है उन्होंने सर्वे किया है कई सारे पेट शॉप्स का। कई सारी पेट शॉप्स हैं जिनके पास ऑथोराइज्ड लाइसेंस तक नहीं है, उन्होंने छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं जिसके अंदर वेंटिलेशन की भी जगह नहीं है, हवा पास होने की भी जगह नहीं है, वो बंद पड़ी है लॉकडाउन की वजह से। उनके अंदर खाना नहीं दिया हुआ उन लोगों को, एनिमल्स को 3-3, 4-4 दिन हो गए, पानी नहीं है उनके पास पीने के लिए एनिमल्स के पास। इस वजह से कई सारे पेट्स जो है वो मर गए हैं। लास्ट वीक की तरह इस बार भी हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे जो एनिमल सेक्टर की सर्विसेज है उन्हें एसेंशियल सर्विसेज के अंदर लाया जाए। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस फील्ड में भी एजुकेट हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए।